भैया ये कितने का होगा? हाँ गॉड, बहुत महंगा है ये तो। से कम कितना है? 270 का जोड़ी दो फाइनल बोल दीजिए। और ये वाला, ये कितने का है? ये वाला 250 करके देगा। नहीं 200 दो पीस। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जो है डेकोरेशन का आइटम है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ लूँ। ये कैसे है भैया? 500 का जोड़ी। 500 का जोड़ी है। ये पैटर्न मिलेगा। आप जो बोलोगे कि इसमें मेटल होता है, ये मैडम ने कहा वो, और ये दोनों सेम है। ये वाला इसका कितना बोला आपने प्राइस? इसका ये वाला आएगा, वो टूटा हुआ पीस है ये वाला। और बाबा कितने का? वही प्राइस का ये 1200 1200 है। ओके, इसका वही सेम पीस है। ओके इसको पैक कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग फिर से निकल गए शॉपिंग के लिए और कल दिवाली है लेकिन हमारी जो है शॉपिंग, मेरी जो है शॉपिंग वो ख़त्म नहीं हो रही है। मुझे एक बहुत ही सुंदर सा स्टैंड लेना था तो वो मैंने ले लिया है। 2-3 दिन से मैं सर्च कर रही थी लेकिन जिस टाइप का मुझे चाहिए था 2-in-1 उस टाइप का मुझे मिल नहीं रहा था कि जब ज़रूरत पड़े तो स्टैंड बना दो और नहीं तो फिर उसमें जो है फ्लावर पॉट की तरह उसको यूज़ करो, लंबे वाले स्टिक डाल के फ्लावर का। तो फाइनली अभी जो है वो मुझे मिल गया तो मैंने उसे ले लिया। बहुत ही खूबसूरत सा है और आपने देखा ही ना उनके पास कितना सुंदर कलेक्शन था, कितना सुंदर कलेक्शन था। और वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी ना कि उनको अच्छे से दिखाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था कि अच्छे से वो हमें टाइम देते कि दिखाते कुछ अच्छे से। नहीं, बहुत ही ज़्यादा रश था और उन्हें बेचना था तो इसलिए, क्योंकि कल दिवाली है सारे लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। तो यहाँ का काम तो हमारा ख़त्म हो गया है और अब मिस्टर शाह हमें लेके चल रहे हैं लाइफस्टाइल। देखते हैं वहाँ पे कुछ पसंद आता है तो कुछ लेंगे, नहीं आता है तो फिर वापस घर आ जाएंगे क्योंकि और कोई हमारा आज का काम है नहीं। तो घर आके जो है घर को ही डेकोरेशन करना है। यू मैडम जो है पीछे आराम से मज़े से सो रही है और देखते हैं कितने देर में हम लोग पहुंचते हैं, कितना देर उसको सोने को मिलता है। तो फिलहाल वो रेस्ट कर रही है, अच्छी बात है, थोड़ी देर सो जाएगी तो शाम में फ्रेश फील होगा। और मिस्टर शाह यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, देख रहे हो रोड साइड में एक लाइन से सारा डेकोरेशन का जो है खोल के रखा हुआ है दीपावली की वजह से। हाँ सही है, दुकान से ज्यादा यहाँ पे लोग परचेज करते हैं क्योंकि इन लोगों का प्राइस ना बहुत ही जेन्युइन होता है ना, और चीज भी अच्छी मिल जाती है रोड साइड में, सेम क्वालिटी रहता है। हाँ सेम क्वालिटी रहता है और काफी सुंदर सुंदर भी है, फ्लावर वो हैंगिंग तोरण ये सब तोरण भी बहुत सुंदर सुंदर है। कल थोड़ा टाइम देते तो हम लोग यहाँ से तोरण ले सकते थे लेकिन वही था कि बहुत रात हो गई थी तो तोरण यहाँ से नहीं ले पाए। पिछले बार मैं यहीं से लेके गई थी, 250 में सिर्फ तोरण मिला था मुझे। इस बार दिया 600। हाँ 600 में दिया। आ गए देखो। ही उठ जा। कितना सोती हो तुम? 1 आवर सोई हो? आज मैं पकड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग कच्चा बादाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठो आओ। मुझे छोड़ दी, मेरे साथ नहीं जाओगी? चलो ना इधर से ही चलते। मैक्स है ही हमें ले। तुमको पसंद आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा है। 26 आएगा तुमको, सुनो ना। चलो इधर पर्स देखे क्या? आओ इधर पर्स देखते, इधर आओ, पहले पर्स देखते फिर।
पीयू तुम कहाँ से लेके गई थी मेरा पर्स? देखो यहाँ पे भी पिंक पर्स है, ये 4000 का है, कोई डिस्काउंट नहीं है इस पे, 4000 के। पीयू कुछ पसंद आ रहा है तुमको? देखो तो इधर छोटा वाला बैग देखते हैं। यू पर्स तो तुम मुझे दे ही चुकी हो, बैग देख लूं मैं? नहीं, तो पर्स देखो, पर्स मैं बच्चों का पर्स। अरे ये तो तुम्हारे पास है ही, इसमें से तीन तुम्हारे पास है, एक ये है, ये भी है, वो रखा हुआ है, एक वो है जो यूज करती हो रेड कलर का, हाँ ये ले सकती हो। नहीं बच्चों का दिखाती हूँ। क्या बच्चों का दिखाओ तुम, क्या पसंद आ रहा है तुमको, क्या लोगी? मेकअप, मेकअप से अलग कुछ और देखो। यू बेली में देखो ना, कितना क्यूट क्यूट बेली है, ले सक। देखो ये बेली सब देखो, यूनिकॉर्न से ज्यादा क्यूट है ये देखो, ये वाला ये बेली अच्छा है। ये देखो ये शूज कितना क्यूट है, ये तुम फ्रॉक पे भी पहन सकती हो। वो यू जितना भी बुरा होता है ना वही तुमको पसंद आता है। ये देखो यू, ये देखो ये अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। और इसमें ये वाला व्हाइट वाला देखूं क्या? बट गोल्डन तो आपके पास ऑलरेडी वो है ना, फॉसिल का। हाँ वो ठीक है, रोड साइड का दुकान नहीं है ना, वो बेस्ट करके दे। अच्छा ये बताइए कितने में आएगा ये वॉच है, कितने का ये? 10,445। ये कितने का है पहले प्राइस बता दीजिए आप मुझे। ब्लॉग है मेरा, ब्लॉगिंग। ठीक है हाँ आओगे, क्यों नहीं आओगे? ये कितने का है? 11,300। ये वाला दिखाइए तो, ब्लू वाला। ये नहीं नहीं ब्लू 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 ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ मैम। ये कितने का ये भी बता सकते हो? 4620। 4620 4000। हाँ मैम 4260। ये भी क्यूट लग रहा है, ठीक से ये भी अच्छा लग रहा है। इसका कितना है बोलिए मैम? गोल्ड का कितना? ये 11,000 का है। और गोल्ड वाला? गोल्ड वाला आके आपको 10,000 में आएगा। ओके नहीं गोल्ड में तो नहीं चाहिए। ये आके आपको क्या है मैम, सेल्फ एडजस्टेबल स्टॉप आएगा मैम, आराम से आप इसमें दो लिंक निकाल सकते हैं। और ये आके सरोसी क्रिस्टल आएगा, लाइफ टाइम वारंटी आएगा। ओके ये गिरने से भी आपको, ये 10,000 का। ये वाला कितने का है? ये वाला 58 आएगा। अच्छा 8,200 का है। और ये वाला? ये वाला 47 आएगा। ठीक है तो मुझे यही दीजिए। हाँ वो ज्यादा है, गोल्डन सब पे ज्यादा है ना, यही वाला दिखाइए मुझे। मैडम ओहो मैडम चले, मैडम जी भूख लग गई आपको? नहीं। तो फिर मन करा डोनट खाने का, तो मैं आई थी।
यहाँ पे लाइफ स्टाइल और यहाँ पे ना सारे ही ब्रांड के जो है वॉच रहते हैं, तो मुझे उसमें से एक दो ब्रांड का वॉच जो है बहुत पसंद आया है। मिस्टर झा मुझे दिला रहे हैं वॉच, क्योंकि मुझे वॉच बहुत पसंद है, तो दिवाली में बोले कि फिर कुछ अपने पसंद से ले लेने के लिए। तो एक तो पसंद की हूँ मैं कैसियो का वॉच, जो कि बहुत ही अच्छा है, देखते हैं कि लेती हूँ या नहीं। और मैडम जी यहाँ पे बैठ के डोनट खा रही है क्योंकि भूख लगी थी। और यहाँ भूख नहीं लगी थी मुझे, तो क्या लगी थी फिर? प्याज? मन किया खाने की? आप मुझे दिला रहे वॉच, थैंक यू सो मच। क्या बोले? नहीं दिला रहे वॉच, अभी तो बोले थे कि दिला देता हूँ आपके पसंद का कुछ भी, देखते हैं। लास्ट में होता है। सही बोली। खा दीजिए, न्यू अराइवल ही दिखाइए। न्यू अराइवल ही दिखाइएगा, सुंदर है ये भी। ये कितने की है? ये वाला आएगा मैडम 8-9 आएगा, 9000 का। और दिखाइए एक दो, मुझे तो ये ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो बहुत अलग है, है ना इसमें, क्योंकि ये आप ना डेली यूज में यूज कर सकते हो ना, ये सब थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और ये डिजाइन जब है ही तो क्यों लेना, ये ज्यादा सही लग रहा है। आप लोग कैसियो के एम्प्लॉय हो? अच्छा लग रहा है क्या? इसका चलो चलो जल्दी चलो, हम नीचे चलेंगे। ठीक है चलेंगे, पहले ऊपर तो चलो। एक ही स्टाइल से अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तुमको आइडिया आया कैसे ये ऐसे पहनने का? चलो चलो, डैडा वेट कर रहे हैं हमारा, चलो जल्दी। पियो जल्दी चल लो बेटू, देखो यहाँ पे भी कितना रश है यार, कहीं पे भी जाओ आज तो। चलो चलो चलो, ले ली ड्रेस, ठीक है। हियो चले। तो शॉपिंग से आते आते हमें काफी लेट हो गया था, 9:30 हो गया था। तो वहां से आने के बाद फटाफट से हमने खाना कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद से लग गए डेकोरेशन में, क्योंकि हमारा डेकोरेशन जो था वो बाकी था घर का। और एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्यूट सा मैं वहां से पॉट लेके आई थी, बहुत ही सुंदर स्टैंड, सॉरी पॉट नहीं स्टैंड लेके आई थी, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो ये है ये क्यूट सा स्टैंड जो वहाँ से मैं ले करके आई थी, और इसके अलावा इसके ऊपर जो था वो मैंने नहीं लिया, काफ़ी प्राइस बोल रहा था उस छोटे से का, 700 बोल रहा था, तो मैंने सोचा कभी और बाद में लेके जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये था। तो अभी जो है जब मैं वहाँ से आई थी तो इसमें फ्लावर के साथ जो है मैंने दिया कैंडल जलाया था, तो काफ़ी क्यूट लग रहा था उस टाइम पे जलते हुए। और ये जस्ट इसके नीचे जो मैंने इसको डिज़ाइन किया था, तो इसके नीचे ही मैं इसको रखूँगी, एज इट इज़ रखूँगी। हाँ वहीं पे लगाओ तो अच्छा लग रहा है इसी साइड से। हाँ ये जाएगा, हाँ ऐसा एक और है, हाँ एक बीच में था फिर हम लोग इससे निकाले थे। हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया। बाद में क्या होता है दांत की ऊपरी सतह से कैविटी अंदर की सतह पर, आप मेहनत कर लेते हो कभी कभी, है ना? ऊपरी पार्ट के बाद दांत नीचे जड़ों से। और एक मैडम जी बैठ के बस, इसको कोई काम नहीं है, टीवी देखती रहेगी टीवी। हाँ मैडम जी देती हूँ रुकिए। तो ये आप देख सकते हो क्या डेकोरेशन किया है हम लोगों ने मिलके, एकदम सिंपल सोवर है, बस फ्रंट पे इस तरह से जो है तोरण लुक दिया है, और यहाँ से जो है बस नॉर्मल सा लाइट निकाली हूँ,
और बस ये इधर का था, बाहर का ये सब कल जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो पूरा कल ही दिखाऊंगी। और घर के अंदर इस तरह से हमने किया है, पूरा गेट गेट पे जस्ट हमने तोरण डाला है, और बस इसमें लाइट वाइट जो है लगाना है, और कुछ लाइट जो है स्ट्रिप वाला वो हमने बाहर बालकनी में लगाया है, कुछ बाकी है अभी लगाना। ये देख सकते हो सारे लोगों के घर में ना बहुत ही खूबसूरत सा जगमग जगमग जल रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो 12:30 बजे रात में जो है हमारा डेकोरेशन का काम ख़त्म हो गया, और जितना भी मैंने डेकोरेशन किया वो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे से। अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दिया, लेकिन सारा जो है आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कल क्या सब होता है नहीं होता है दिवाली पे। और आप लोग भी बताइएगा कि आपने क्या सब किया अपने घर पे, क्या सब बनाया, कौन कौन सा मिठाई बनाया, किस तरह से सेलिब्रेट किया, क्योंकि बैंगलोर में क्या, मुझे तो लगता है हर जगह जो है फटाका बैन है, साउंड बैन है, तो आप लोगों ने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया। हम लोग तो सोचे हैं बस मिलेंगे सारे फ्रेंड्स, खाएंगे पिएंगे और घर में ही जो है गाना वाना सुनेंगे, देखते हैं कल क्या सब होता है कैसे मनाएंगे। फिलहाल अभी तक का तो यही प्लान है। अभी जो मैं वॉच लेके आई हूँ वो सबसे पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वॉच जो है मिस्टर झा ने मुझे गिफ्ट किया, उन्होंने मुझे बोला था कुछ भी ले लो दिवाली पे, लेकिन मैंने सोचा कि ड्रेस तो मैं ले ही चुकी थी तो वॉच ले लेती हूँ, मुझे वॉच का बहुत शौक है तो मैं वॉच लेके आई। और ये है वो खूबसूरत सा वॉच, इसका डायल मुझे इतना पसंद आ रहा था ना, और लुक भी काफी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये मुझे एक लुक में जो है पसंद आ गया था कैसियो का, बाकी मैंने 2-3 देखे, टाइटन में भी देखे रागा का, और भी 2-3 देखे, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो इसीलिए मैंने ये लिया। और फिर मैंने सोचा कि मेरे तरफ से भी मिस्टर झा को कुछ गिफ्ट बनता है, तो फिर मैंने उनके लिए सेम कैसियो का ही लिया, और ये मुझे बहुत पसंद आया था जो कि यूथ का है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये न्यू कलेक्शन आया था तो मैंने सोचा ये सही रहेगा स्पोर्ट्स वॉच, तो ये मैंने लिया मिस्टर झा के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा हम दोनों एक साथ जो है एक दूसरे को टाइम गिफ्ट कर रहे हैं अपना अपना, तो बेस्ट है ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जमदिया निकालने के लिए, तो ये रात को निकाला जाता है जब सारा काम हो जाता है सोने टाइम में। तुम भी चल रही हो हमारे साथ? हाँ, एक चीज़ चलो बेबी, एक चीज़ दिखाना, चलो चलो चलो, एक चीज़ दिखाना मुझे। यो तुम भी चलो हमारे साथ, और पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है? देखेगी पक्का। नहीं हियो, तुम फिर वहीं पे बाहर ही रहो, बच्चे को लेके नहीं जाते हैं, हियो तुम मत जाओ फिर, ठीक है? तुम मत जाओ, हम लोग मंजुलिका बन के जा रहे हैं दिया निकालने के लिए। तो दिया जो है मैं इसको व्हाइट कलर से पेंट करके गई थी, तो अभी सारा दिया को जो है मुझे कलरफुल बनाना है, तो कल जो है नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने कैसा पेंट किया, कैसा लग रहा है। तो ये सब मुझे करना है पेंट, और सबसे खूबसूरत जो है मुझे इसको पेंटिंग करनी है, तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, तो इसको मुझे पेंट करूँगी मैं अच्छे से इत्मीनान से। और ये जो है ये ह्यू पेंट की है, काफ़ी क्यूट लग रहा है ये पेंटिंग, बहुत सुंदर से किया है ह्यू ने, थैंक यू ह्यू, वेलकम। चलो बाय, गुड नाइट। देखो तो ह्यू 1:07 हो गया है, मतलब कि रात के 1 बज रहे हैं और तुम अभी तक जगी हुई हो, जाओ मम्मा काम कर रही है, तुम सो जाओ, ओके? तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये ब्लॉग, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और कमेंट जरूर कर दे कि कैसा रहा आप लोगों का दिवाली। तो मिलती हूँ दिवाली के बाद, बाय बाय।